राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मैं आई हूँ जंगल में घास लेने के लिए। मैं आई थी घास को 8:30 बजे आई थी। पहले मैंने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर लिया और उनके लिए खाना वगैरह खिला करके और पशुओं को बाहर बांध करके फिर आई थी मैं घास लेने। तो ये देखिए मेरे पास हो चुकी है घास, यहाँ पर रखे हैं मैंने पूले। और आज हम जाएंगे मधु दीदी जी के गांव में, वहाँ पर रिटायरमेंट है। तो मैं जल्दी जल्दी में काम निपटा रही थी और इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। तो अब मैं चले जाऊँगी घर में। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, देखिए क्या घास काटने, इन पत्थरों के बीच में हाथ कटने का डर रहता है और पत्थर ही पत्थर है। ये देखिए चारों ओर ये है हमारे घर यहाँ पर। तो मैं आज नज़दीक ही आई थी घास काटने, क्योंकि फिर हमने जाना भी है फंक्शन को, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पर ही काट लेती हूँ। तो अब मैं चली जाऊँगी घास लेकर के घर में और उसके बाद। तो ये देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ घास लेकर के घर में और ये रखा मैंने यहाँ पर घास और पशु, और इनको मैंने वो दे दिया था हरा चारा। तो अब मैं कर लेती हूँ और काम, तब मिलती हूँ आपके साथ। तो ये देखिए मैं और प्रिंस तैयार हो चुके हैं और मीनाक्षी, कल्पना और भारती स्कूल से ही आ जाएंगी ऊपर को। तो अब हम पशुओं को अंदर बांध लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए नीचे को रास्ते खराब है, तो अगर यहाँ पर पशु अकेले खुल जाते हैं तो नीचे गिरने का डर रहता है। तो हम इनको अंदर बांध लेंगे और उसके बाद जाएंगे फंक्शन को। तो ये है मेरी गाय और कट्टू। तो अब मैं इनको अंदर बांध लेती हूँ। प्रिंस जी हाय कर लो। हाय। कहाँ जा रहे हो आप? पत्ती को जा रहे हैं। तो मैं बांध लेती हूँ इनको अंदर। प्रिंस जी इधर हो पोरे। तो ये देखिए पशु मैंने कर दिया अंदर और अब हम चल पड़े हैं। तो रास्ता बहुत बड़ा है, अब मिलते हैं आपके साथ गांव में ऊपर, जहाँ पर शादी नहीं है, रिटायरमेंट है। और मैं और प्रिंस चल पड़े हैं। तो ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर ऊपर, जहाँ पर फंक्शन है दीदी जी के गांव में। तो हमारे को गाड़ी मिल गई और हम 8-10 मिनट में पहुंच गए। वैसे तो बहुत टाइम लगता है नीचे से आने को। तो ये देखिए मैं और प्रिंस पहुंच चुके हैं वहाँ पर, जहाँ पर हम फंक्शन को जा रहे थे। तो हमारा गांव तो एक ही है कागजों में, पर हमारे घर गांव से दूर है। तो यहाँ पर मामी जी और मामा जी का स्वागत हो रहा है। आप बोलेंगे कि मामी जी और मामा जी कैसे लगते हैं? तो ये मेरी सासू माँ जी के धर्म भैया और भाभी जी है। Yeah।
मनु चल दे सामने गुड़िया यस इधर इधर सामने तो इनको तो आपने पहचान ही लिया होगा कि ये कौन है, मधु दीदी जी और भैया जी है। तो ये भी यहाँ पर शगुन लगा रहे थे। और यहाँ पर है मेरे पिताजी और सासू माँ जी, पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी। तो इनकी धर्म भैया जी की रिटायरमेंट थी मेरी सासू माँ जी की। बहनों बहनों का डांस। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अगले वाली वीडियो में पार्ट टू में शेयर करूंगी। राम राम, जय माता दी। Thank you.